बोकारो न्यायालय के वरीय अधिवक्ता रंजन कुमार मिश्रा, जो बोकारो जिला अधिवक्ता संघ का नियमित अधिवक्ता है, मिश्रा ने बोकारो समीहरा खान प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद संख्या 1125/22 के तहत प्रिया पांडे पिता श्रीकांत पांडे के विरुद्ध अपने मुबक्किल विवेक द्विवेदी की तरफ से वाद दायर किया है। विवेक द्विवेदी एवं उनके परिवार के खिलाफ प्रिया पांडे ने डाल्टेनगंज सदर थाना कांड संख्या 77/22 धारा 498 के तहत मामला दर्ज कराया है। अधिवक्ता रंजन मिश्रा ने बताया कि प्रिया पांडे के पिता श्रीकांत पांडे गढ़वा जिले में पुलिस विभाग में एएसआई के पद में कार्यरत है। श्रीकांत पांडे के दिमाग में ये बात है कि विवेक द्विवेदी तथा प्रिया पांडे के बीच में जो भी हो रहा है उसका जिम्मेवार अधिवक्ता रंजन मिश्रा है, जबकि अधिवक्ता रंजन मिश्रा बखूबी अपना अधिवक्ता का कर्तव्य निभा रही है। रंजन मिश्रा को अप्रत्यक्ष रूप से उग्रवादियों के द्वारा जान से मारने की धमकी दिलाई जा रही है। अधिवक्ता रंजन मिश्रा ने बताया कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मेरा फोटो उग्रवादियों को दिया गया है। इस कारण अधिवक्ता रंजन कुमार मिश्रा ने अपने जान मान की सुरक्षा के लिए बोकारो पुलिस अधीक्षक के पास लिखित आवेदन देकर गुहार लगाई है तथा लिखित आवेदन में उन्होंने पलामू एसपी को भी सूचित करने की मांग की। बताइए क्या मामला है? मामला ये है कि श्री रंजन कुमार मिश्रा अधिवक्ता बोकारो एसोसिएशन के एक मेंबर है, मैं भी आनंद प्रकाश इनके साथ कार्य में सहयोग करता हूँ, काम करता हूँ। और एक मामला आया गढ़वा का, जिसमें विवेक द्विवेदी की तरफ से हम लोग ने एक आवेदन दिया था डाइवोर्स के लिए। वो हमारे जो क्लाइंट था उसके मन से डाइवोर्स के लिए आवेदन दिया गया था। और ये जो प्रियंका कुमारी है वो गढ़वा के एक एसआई के बेटी है। जब हम लोग वहाँ पर अपना बहस करने गए तो वहाँ पर उनके पिताजी को महसूस हुआ कि रंजन कुमार मिश्रा अधिवक्ता हैं, वही इस केस को जानबूझकर केस करवाए हैं। और जिसके चलते उन्होंने हमारे अधिवक्ता श्री रंजन कुमार मिश्रा जी का फोटो और गाड़ी का फोटो खींच के उग्रवादी को दिया गया और धमकी दिलवाया गया है कि उनको जान से मार दिया जाएगा, ये केस छोड़ दीजिए। ये जानकारी कहाँ से मिली कि उग्रवादी को जानकारी दिया गया है? गुप्त सूचना द्वारा पता चला, जिसकी सूचना बोकारो आने के बाद हम लोग एसपी साहब से मिले और एक आवेदन दिए। और हम लोग का मांग है कि एसपी साहब इसमें ठोस से ठोस कार्रवाई करें। और 26 तारीख को उस केस में गवाही है, उसमें एसपी साहब हमारे बोकारो को जाए, उसकी सख्त कार्रवाई करके उसमें एक खास प्रबंध किया जाए कि जान माल की कोई खतरा नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अधिवक्ता आनंद प्रकाश है, बोकारो बार एसोसिएशन। बताइए क्या मामला है? यहाँ एक सेक्टर 6 के मिस्टर विवेक द्विवेदी हैं, जो इंजीनियर हैं, उनकी शादी जो है डाल्टेनगंज में हुई है। उनकी पत्नी जो है प्रिया पांडे, वो भी नौकरी करती हैं। तो यहाँ विवेक द्विवेदी हमसे मिले, जो हमको पत्नी से तलाक लेना है। हमने कहा नहीं, पहले आप विदाई का केस करें। मेरे सजेशन पे उन्होंने विदाई का केस किया, लेकिन संबंध मिलने के बाद भी कोई कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ। उसके बाद हमने उस केस को वापस लेके और अपने क्लाइंट की इच्छा अनुसार हमने तलाक का केस किया। और फिर इस बात की जानकारी जब उन लोगों को हुई, प्रिया पांडे और उनके पिता जो हैं श्रीकांत पांडे, जो गढ़वा जिले में एएसआई के पद पे पदस्थापित हैं, उनको जब इस बात की जानकारी हुई तो उनको लगा जो हम ही ने सब कुछ कराया है, और वो हमको अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दिया गया जो आपको जान से मार दिया जाएगा, नहीं तो इस केस को आप छोड़ दीजिए। इतना ही नहीं, हमको गुप्त सूचना मिली है, जो हमारे फ़ोटो और हमारे गाड़ी का फ़ोटो खींच के वहाँ के उग्रवादियों को भी दे दिया गया है। 26 तारीख को वहाँ न्यायालय में कोर्ट में हमको बहस करना है, जो हम बहस करने जाएँ तो हमको वहाँ उड़ा दिया जाए या गोली मार दिया जाए। इसको लेके हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक बोकारो को भी आवेदन दिया है ताकि हमारी जान को सुरक्षा हो, यही मामला है। आपने आवेदन कब दिया है? हमने आवेदन कल उनको दिया है। क्या कुछ कार्रवाई हुई है? अब पता नहीं, हमने अपना काम किया, बहुत जगह आवेदन दिया, हमने एसपी साहब को फ़ोन करके भी बोला इस बात को। अब एसपी साहब इसमें क्या कार्रवाई करते हैं वही जाने, हम लोग का जो धर्म है जो कर्तव्य है सो हमने किया है, अब आगे उनको जो करना है वो करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार मिश्रा, अधिवक्ता, बोकारो, झारखंड। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए ब्यूरो।